प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने बुलाई है उसकी वजह यह है कि आने वाले दिनों में जो राजनीतिक परिस्थिति हमको दिखाई देती है और उसके साथ साथ जो हिंसा भी आएगी उसकी आगाह करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई गई है। मैं लगातार पिछले 3 महीनों से जिस तरह से आरक्षण विरोधी और उसके साथ साथ एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ ये जो संगठन है उनकी जो गतिविधियां जो है उन पर टिप्पणी करता रहा और यहाँ की सरकार चाहे वो कांग्रेस हो नॉन कांग्रेस हो बीजेपी हो नॉन बीजेपी सरकार हो इन पर किसी ने तवज्जो नहीं दिया किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसलिए परिस्थिति बेकाबू होते हुए मुझे दिखाई देती है। जो आरक्षण विरोधी है एट्रोसिटी एक्ट के विरोधी है उन्होंने पिछले 3 महीने से होम और हवन जो है उसका सहारा लिया है। मैंने भर ये होम और हवन चलते रहे। जहाँ तक मेरी जानकारी है 300 जगह पूरी उत्तर भारत में होम और हवन के कार्यक्रम रचाए गए। महीने भर ये चलते रहे और इस होम और हवन में उन्हीं लोगों को हिस्सा लेने का अधिकार था कि जिन्होंने वहाँ पर शपथ खाई और ये कहा कि हम आरक्षण विरोधी है एट्रोसिटी एक्ट के विरोधी है आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन होगा उसमें हम लोग सहयोगी होंगे और जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक हम लड़ते रहेंगे। ऐसे जिन्होंने होम और हवन में कहा उसको ही उस होम और हवन में शामिल होने का मौका दिया गया वरना और किसी को नहीं दिया गया। आज जो परिस्थिति हम लोग को दिखाई देती है कि जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों के अंदर एट्रोसिटी के खिलाफ और आरक्षण के खिलाफ जो आंदोलन हुआ है वो एक सिर्फ झांकी है ऐसा मैं मान के समझता हूँ एक ट्रेलर है कि इसको किस ढंग से आगे बढ़ाना है। हो सकता है कि विजयादशमी के बाद काफ़ी बड़े पैमाने पर हिंसा इस देश में हो सकती है उसकी तैयारी चल रही है। मैंने बीच में जो संगठन है उन संगठनों के पास क्या क्या हथियार है उसकी दिल्ली में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फोटोग्राफ के माध्यम से उन हथियारों का उस हथियारों की पूजा भी कौन कौन कर रहा है किस तरह से कर रहे हैं उसकी भी जानकारी लोगों को दी। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आगाह करना चाह रहा हूँ कि हर किसी को अपनी हिफाजत करनी होगी ख़ासतौर से जो अम्बेडकरवादी है संविधानवादी है डेमोक्रेसी को मानते हैं इन वर्गों ने अपनी हिफाजत करने के लिए अपनी परिस्थिति को संभालने के लिए उन्होंने आगे आना चाहिए ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। दोबारा इस देश में मनुवाद आए इसके लिए पूरी तैयारी आपकी जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है उन्होंने की है और हिंसा भी अगर करने की ज़रूरत हुई तो वो हिंसा भी करेंगे ऐसी एक परिस्थिति। इस हिंसा में जो गरीब है उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा लेकिन पिछले 70 सालों से जिनकी परिस्थिति बदल चुकी है अधिकांश शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में से जिनकी परिस्थिति अच्छी हो चुकी है उनको मेरे हिसाब से इस आंदोलन में टारगेट किया जाएगा क्योंकि अगर दोबारा मनुवाद लाना है तो गरीबी में इनको रखना है तो इनकी संपत्ति जो है उस संपत्ति को नाश करना है विनाश करना है और इसी की तैयारी चल रही है ऐसा मैं कहूँगा। दूसरी बात यहाँ पर जो है कि हम लोग ने अभी तक ये जो आंदोलन का जो स्पेस है आंदोलन की जो जगह है वो आज तक हम लोग अपने पास रखते रहे लेकिन जिस तरह से
आरक्षण विरोधी और एट्रोसिटी एक्ट के विरोधी जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, उसके माध्यम से ये स्पेस भी अपने से निकालने की एक कोशिश चल रही है। हम लोगों को ये देखना होगा कि जो हिंसा करने जा रहे हैं उनको किसी प्रकार का मौका ना दे कि हिंसा भड़के, हिंसा को प्रोत्साहित हो, और जितनी शांति हम लोग रख सकते हैं उतनी शांति रखने की ज़रूरत है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि जब तक ये संविधान है तब तक आरक्षण है, ये संविधान जब तक है तब तक ये एट्रोसिटी एक्ट चलता रहेगा। इसलिए हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि ये संविधान चलता रहे 2019 के बाद, और उसकी रणनीति जो है वो हम लोग को तय करनी है। और इसलिए मैंने कहा कि यहाँ जो हिंसा होगी वो हिंसा जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में से जो अमीर हुआ है उनके खिलाफ ज़्यादा रुख होगा, हालांकि गरीबों के खिलाफ इसलिए जो पढ़े लिखे अंबेडकरवादी है, संविधानवादी है, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को मानने वाले हैं, मैं उनसे आगाह करूँगा कि ये जो स्पेस है आंदोलन का, जो स्पेस है वो स्पेस हम लोगों को बरकरार रखना होगा। और अगर हम लोग ये स्पेस बरकरार रखने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 2019 में संविधान को हम लोग बचा पाएंगे। अगर ये आंदोलन की जगह जो है, आंदोलन का स्पेस जो है, वो अगर हमको बरकरार रखना है तो ना सिर्फ हम लोग को आरक्षण और अत्याचार के खिलाफ आंदोलन करना है, लेकिन इस देश के अंदर जो परिस्थिति उभर रही है, सरकार के खिलाफ जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो बैंकों का मुद्दा हो, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, चाहे इस देश को पूंजीपति छोड़ के जा रहा है वो मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेके अगर हम लोग ये आंदोलन का स्पेस अगर बरकरार रखेंगे, संभाल के रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो विरोधी ताकतें जो है उन विरोधी ताकतों को हम लोग शांतिपूर्वक उनका मुकाबला कर सकते हैं। और 2019 को ये जो फैसिस्ट सरकार है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो राजनीतिक व्यवस्था हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि वो राजनीतिक व्यवस्था उभरेगी नहीं, क्योंकि ब्लैकमेलिंग की राजनीति इस देश में शुरुआत हो चुकी है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जिन पे आरोप है उनको सबको ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, और उस ब्लैकमेलिंग के माध्यम से अभी की जो सरकार है वो 2019 में दोबारा पावर में आना चाहती है। मैं समझता हूँ कि इसको देखते हुए इस सरकार को दोबारा ना आए, 2019 में ये दोबारा ना चुन के आए, इस तरह की व्यवस्था हर स्टेट में बनानी होगी, और वहाँ के राज्य के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं में इसको बढ़ावा देना ज़रूरी है। मैं दूसरी एक बात कहूँगा कि जिस तरह 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम लोग रास्ते पर उतरे, उसी तरह अगर हम लोग कुछ मुद्दों को लेके ये इलेक्शन होने तक रास्ते पर अगर उतरते रहेंगे तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सरकार को हम लोग शशक दे सकते हैं, सरकार को हरा सकते हैं। मैं फिलहाल इतना ही कहूँगा कि जो हिंसा हमको दिखाई दे रही है, मतलब उसकी शुरुआत हो चुकी है, बड़े पैमाने पे ये हिंसा होने की उम्मीद हम लोग रखते हैं, तैयारी भी उसी तरह की कई संगठनों की चल रही है, लेकिन हम लोग उनको किसी प्रकार का बढ़ावा ना देते हुए शांति कैसे रहे इसी को हम लोग को देखना होगा। और मैंने जैसा कहा कि आंदोलन का जो स्पेस है वो आंदोलन का स्पेस हम लोग अपने पास ही रखेंगे तो एक परिवर्तन की लड़ाई जो है वो परिवर्तन की लड़ाई हम लोग आगे ले जा सकते। सर, जैसे आपने हिंसा की बात की, जो बड़ी हिंसा होने वाली है, तो मैं जानना चाहूँगा कौन से ऐसे लोग मनवा सकते हैं जिनके नाम आप हमें बताएं। ठीक है, मैं यहाँ पर उनके कई नाम होंगे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम होगा, कई ज़िलों में भी उसका नाम अलग होगा, कई तहसील में भी उनका नाम अलग होगा, लेकिन यहाँ एक हिंसा का मुद्दा, देखिए हिंसा का मुद्दा मैंने जैसे बताया कि आरक्षण खत्म करो,
और एट्रोसिटी एक्ट को ख़त्म करो, ये मुद्दा होगा। और ये सरकार भी चाहेगी कि ये हिंसा बढ़े, क्योंकि ये हिंसा बढ़ती है तो उनके फायदे ही बनते हैं। तो सर आपकी क्या प्रिया हिंसा को रोकने, तो समाज को बचाने जी? मैंने वही कहा कि भैया ये जो हिंसा होगी, इस हिंसा को हम लोग ने किसी प्रकार से बढ़ोतरी नहीं देनी चाहिए। फिलहाल आज जो परिस्थिति है, संविधान बचा हुआ है, 2019 के बाद संविधान पे आँच आएगी या नहीं आएगी उसका फैसला होगा। अभी जो है वो आरक्षण रहेगा, एट्रोसिटी एक्ट भी रहेगा। इसलिए जो आंदोलन करते हैं उनको जवाब देने के लिए हम लोग रास्ते पर उतरना दीजिए, यही मैं कहूँगा। हम लोग रास्ते पर अगर उतरे तो राफेल के मुद्दे पर उतरे, बैंकों के मुद्दे पर उतरे, इस देश का जो व्यक्ति है पूंजी लेके जो विदेश जा रहा है उसको रोकने की बात हो, इन मुद्दों को लेके हम लोग अगर रास्ते पर उतरते हैं तो मेरे ख्याल से इनका जो मकसद है उसको हम लोग खड़ा सकते हैं। नहीं होगा। देखिए ये जो है ये देखिए हम लोग देखिए ऐसा है कि ये राजनीति है, राजनीति में यही सरकार दो तरीके की खेल कर रही है। हिटलर ने जिस तरह से वो सत्ता में भी रहा और अपने ही कुछ लोगों को उसने विरोधी दल में भेज के विरोधियों की भूमिका की, उसी तरह ये सरकार में भी वही राजनीति चल गई है कि सरकार राजनीति कर रही है, उनके दल जो है मित्र पक्ष जो है वो उनको विरोध कर रहे हैं। ये कतई नहीं होगा कि सेना बीजेपी को छोड़ेगी, लोकसभा में दोनों साथ लड़ेंगे। हम लोग का जो रुख महाराष्ट्र का जहाँ तक है वो हम लोग ने जितने भी सत्ता सम्मान और समाज सत्ता से वंचित है उनका गठबंधन करना हम लोग ने शुरुआत किया है, और उनकी जो पहली ताकत जो है वो हम लोग 28 सितंबर को सोलापुर में उसकी तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ हम लोग जो है वो मुस्लिम समाज जो है और अन्य वर्ग जो है वो सत्ता से बाहर रहे हैं उनको इकट्ठा लाने की कोशिश है, और जहाँ तक हम लोग आज समझते हैं हम लोग उसको सफल होंगे। देखिए मैं कहूँगा कि BSP का जो वजूद था वो अब नहीं, शरद पवार की जो राजनीति है वो हम लोग को समझना चाहिए कि महाराष्ट्र में कभी BSP पनपी नहीं। अब वो जो राष्ट्रवादी का NCP जो है वो मायावती के साथ जा रही है, उसकी वजह यह है कि वो हम लोगों को कहीं ना कहीं तो भी रोकने की बात कर रही है वहाँ पर, और उनको ये लग रहा है कि ये जो लोकसभा की जो चुनाव होगा जहाँ कांग्रेस को जो है पालघर की जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ पे 40,000 मिले, तो ये हो सकता है कि इस बार की जो महाराष्ट्र का जो इलेक्शन होगा वो मेरे ख्याल से शिवसेना और वंचित बहुजन आघाड़ी जो है जो लोग नया फ्रंट खुला है उनके बीच होगी, ऐसी एक परिस्थिति है। सर महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 60 से 70 विधायक जो है SC ST के आते हैं, लेकिन ना उतने नहीं है, उतने दलित मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। देखिए पूरी स्टेट में जो विकास की जो पॉपुलेशन है 5 जिलों में वो 22 से लेकर 28% है, बाकी के 32 जिले में वो 11% से लेकर 9% की पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन जो है मैं मानता हूँ कि सत्ता लाने के लिए इतनी बड़ी नहीं है कि जिस पर आप ले आ सकते हो। महाराष्ट्र की राजनीति मैंने जैसे कहा कि ये जो 5 जिले हैं कि जहाँ पर 22 से लेकर 28% है उन्हीं जिलों पर वहाँ की अम्बेडकरवादियों की राजनीति है। क्यों नहीं, सुशील कुमार शिंदे कौन है, बन चुका है और सबसे लॉन्गेस्ट टर्म सुशील कुमार शिंदे का है एज ए मुख्यमंत्री मेरे आफ्टर नाइक के बाद। ऐसे तो कहीं मुझे सुनने नहीं आए। अच्छा सर आपने आंदोलन की बात की, जन आंदोलन की बात की,
आप ये बता दीजिए कि जब ऐसा कुछ करता ही नहीं, काम नहीं कर रहा है, तो इसका फायदा किसको होगा अगर बहुजन समाज की बात करें? देखिए मैं फायदे की बात नहीं करता, तो फिर फायदा तो सवाल यह है, मेरी सवाल यह है अभी कि इसको जो परिस्थिति उभर रही है उसको रोकने की बात कर रहा हूँ। फायदा तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे वो मेरे ख्याल से सबसे बड़े नतीजे होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। वहाँ भी एक काफ़ी बड़ी कठिनाइयाँ है, ये मैं जानता हूँ कि कांग्रेस जिनके साथ में समझौता होना चाहिए उनके साथ में नहीं कर रही है, जिनके साथ में नहीं होना चाहिए उनके साथ में कांग्रेस समझौता कर रही है। ये एक विडम्बन है राजनीति का, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। यही मैं ये चाहता, देखिए मैं चाहता हूँ वहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में DSP और SP का समझौता हो, वो अगर होता है तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो देश के हित में होगा और इस सरकार को रोकने में काफ़ी बड़ी मदद होगी। सर आपकी क्या भूमिका होगी आपकी पार्टी कहाँ उत्तर प्रदेश? अगर ये सपा और बसपा का हो गया तो उसको पूरी दिन से हम लोग सपोर्ट करेंगे। यानी कि आप भी महागठबंधन में रहेंगे? महागठबंधन होगा ही नहीं। देखिए ये पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि महागठबंधन होगा ही नहीं। उसकी वजह यह है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बची नहीं है, सभी जो है वो रीजनल पार्टीज है और रीजनल पार्टीज अपनी अपनी जगह पर काफ़ी स्ट्रांग है। जैसे बसपा कितने भी कहे कि हम लोग नेशनल पार्टी है लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं उनका वजूद नहीं है, कर्नाटक में वो दिखाई दिया। कांशीराम जब तक थे तब तक मध्य प्रदेश में वो लगातार जाते रहे और लगातार जाने के बाद चंबल का जो इलाका है वो चंबल के इलाके में उन्होंने काफ़ी बड़ी बाबूलाल कुशवाहा के साथ में अपनी एक ताकत बढ़ाई। अब उनके पास में उतना बड़ा नेता कोई है नहीं क्योंकि बाबूलाल कुशवाहा 3 साल पहले गुजर चुके हैं। अब जो है वो BSP वहाँ की 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है। वहाँ पर जो RSS BJP की सरकार जो है, केंद्र की सरकार जो है, राज्य की सरकार जो है, उसके साथ में जो कोई पॉलिटिकल लड़ाई होगी वो रीजनल पार्टियों की ही होगी, नेशनल पार्टीज़ की होगी नहीं, क्योंकि वो आपस में लड़ रहे हैं। जैसे आप कहिए कि ओडिशा में आप लीजिए नवीन पटनायक जो है, उनके साथ साथ एक तरफ कांग्रेस है दूसरी तरफ BJP है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हो ही नहीं सकती। CPM वाले भी जो है केरला में कांग्रेस और CPM की सीधे लड़ाई है, तो ये नेशनल गठबंधन नहीं होगा, ये रीजनल गठबंधन ही होता रहेगा। और वो मेरे ख्याल से परसों के आंदोलन के माध्यम से दिखाई दिया कि ये था, डेट तो एक तय हुई लेकिन आंदोलन जो है वो अलग अलग तरीके ने अलग अलग किया। तो देखिए गुजरात में जो है वो मैं करीब करीब मेरे साथ में जो टीम थी वो हम लोग 7-8 महीने वहाँ पर बैठे थे और मैंने यही कहा था 3 महीने इलेक्शंस के पहले, अनाउंस होने के पहले, कि अगर कांग्रेस किसी प्रकार से गड़बड़ नहीं करती है, किसी प्रकार से बर्ताव अच्छा नहीं करती है तो ही आ सकती है, मैं तो हार नहीं सकती। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी जो सबको लेके चलना चाहिए था इस वक्त वो सबको लेके नहीं चल रही, यही स्थिति है। वर्तमान सरकार
देखिए, इसमें राजनीति भी है और आर्थिक व्यवस्था भी है। राजनीति ये है कि लोग, ये सरकार जो है वो लोगों को कमजोर करना चाहती है। डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ अगर हम लोग देखें तो उसके पहले रघुरामन जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, उनकी एक रिपोर्ट है कि उन्होंने जो है 2012 में 2005 के पहले जितने भी करेंसी थी, चाहे वो 100 रुपये की थी, 500 की थी या 100 की थी या 50 की थी, वो सभी करेंसी उन्होंने बदला दी। और दोबारा ये जो बदलाव की जो करेंसी आई 2016 में, इसकी वजह क्या है ये बता नहीं रहा। और ये वजह जब नहीं बता रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उनका एक मकसद था कि लोगों के पास जो पैसा है वो उनको निकालना था, और वो उन्होंने आसानी से लोगों से निकाला, ऐसी पैसा हम लोग का कहना था। दूसरा यह है कि महंगाई सरकार रोकना चाहे तो मेरे ख्याल से रोक सकती है, लेकिन सरकार खुद इस महंगाई को रोकना नहीं चाहती, और वो ये है कि वो लोगों को मजबूर और लाचार बनाना चाहती ताकि उनके खिलाफ कोई आवाज़ ना, पर आवाज़ कोई उठा नहीं रहा है, वो उनके सामने परिस्थिति आई है। तो जो अंग्रेजी में कहते हैं कि फेट अकम्प्ली, वो एक मानसिकता बना रहे हैं कि भाई हम जिस तरह से आपको रखना चाहेंगे उसी तरह से आपको रहना होगा, वरना जिस तरह से उन्होंने आपके कई लोगों को डराने का और धमकाने का जो वर्क किया है, और कहीं को नक्सलवादी बताया, कहीं को एंटी टेररिस्ट बताया, किसी को एंटी नेशनल बताया है, ये जो उनके तीनों हथियार जो है वो हथियार इस्तेमाल करेंगे, ये भी उनके डर और भय उन्होंने पैदा किया। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा के मुताबिक आरएसएस बीजेपी जो है वो अपने नक्शे कदम पर चल रही है। सर, कहीं ना कहीं उसकी मामला, देखिए मैंने जैसे कहा कि नासिक में मैंने पहले राफेल के डील की खुलवा दी, उसके बाद में फिर सिन्हा साहब आए, उन्होंने किया, फिर कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन इसको पकड़ के जो है वो आंदोलन कोई कर नहीं। मैंने जैसे पहले कहा कि आप अगर ये जो दंगा की परिस्थिति दिखाई देती है उसको अगर रोकना है, तो ये मैं समझता हूँ कि अम्बेडकर वादियों की एक सबसे बढ़िया जिम्मेदारी है कि राफेल का आंदोलन जो है वो रास्ते पर लिया, क्योंकि जब तक ये राफेल का आंदोलन रास्ते पर नहीं ले आएंगे तब तक मेरे ख्याल से ये 10-15% तक ही मामला रहेगा। जिस तरह से बोफोर्स का मामला आखिरी इंसान तक पहुंचाया गया था, उसी तरह से राफेल का भी जो मामला है वो आखिरी इंसान तक पहुंचना चाहिए, और उसकी सबसे बड़ी है कि बोफोर्स में सिर्फ 69 करोड़ का मामला था, 69 करोड़ का मामला था, लेकिन ये राफेल के अंदर एक विमान के पीछे जो है 900 करोड़ की घोटाला हुआ है, उसकी जांच जो है उस वो बात जो है आम आदमी तक ले जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आंदोलन एक सबसे बड़ा माध्यम है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो सर, आपको नहीं लगता कि पिछले जो सरकारें रही हैं देश की आज़ादी के बाद में, इन 4 सालों में इस सरकार ने देश को सबसे ज़्यादा लूटा, सबसे बड़ा लूटा है इस देश को, ये मैं मानता हूँ। अच्छा सर, ये मैनिस्ट्री मीडिया की बात करें तो मैनिस्ट्री मीडिया तमाम कुल मुद्दों से तक की कोशिश करती है, क्योंकि आज महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल 80 रुपये से ऊपर पहुँच गया है, लेकिन वो बात करते हैं उस भारत बंद की जो किसानों के द्वारा नहीं बनाया गया और फिर उसको भोपाल बनाकर पेश किया गया, जबकि उसका जमीन पत्र कोई अच्छी नहीं था। तो ऐसा क्यों मैनिस्ट्री मीडिया को कितना इसमें दोष मान गया? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया जहाँ तक फिलहाल मैं 3-4 साल में देखा, मान लो पहला उसका एक सोशल एजेंडा भी था, लेकिन ये तीन चार सालों में देख रहा हूँ कि उनका सोशल एजेंडा
पूरा ख़त्म हो चुका है, ये रिलीजियस एजेंडा इनका बन चुका है, और किसी भी तरह से इस देश में रिलीजियस आइडेंटिटी बनी रहे, रिलीजियस सरकार बनी रहे, उसी तरीके का इनका चल रहा है। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी जिनका नॉन रिलीजियस एजेंडा है, सोशल या इकोनॉमिक एजेंडा है, उनको उन्होंने बॉयकॉट किया है और उनकी न्यूज़ आती नहीं है। मैंने कई सालों पहले कहा था कि 2019 के जो लोकसभा का चुनाव होगा वो सोशल मीडिया वर्सेस इस्टेब्लिश मीडिया इसके बीच में है। तो ये मैं समझता हूँ कि आपका रोल अभी जो है वो काफ़ी बढ़ेगा, लोग आपकी तरफ काउंटर चेक करने के लिए काफ़ी बार आएंगे, और आप भी उसी इशू को लेके अगर सही प्रक्षेप में अगर ये आते हो तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया जो है वो सोशल मीडिया इस इलेक्शन पे काफ़ी हावी हुआ ऐसा मुझे लगता है। सर चलते चलते आखिरी सवाल है हमारा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 2019 के चुनाव की अगर बात की जाए तो क्या बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्या कहना चाहिए? बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो सर इसके लिए अभी पार्टियाँ कोई भी मैदान में नहीं आई। देखिए मेरी कोशिश चल रही है कि पार्टियों को लेके मैदान में आए, लेकिन मुझे उम्मीद कम है कि पार्टियां मैदान में आएंगे। इसलिए मैं अम्बेडकरवादियों से ये कहूँगा कि वो जो है जिस तरह से 2 अप्रैल को बाहर निकले और अपनी एक ताकत दिखाए, उसी तरह से अगर कई इशुओं को लेके अगर कॉल दिया जाए तो वो शांतिपूर्वक जो है उस कॉल को अदा करे, उसका प्रचार करे, और अपने अपने इलाके में अगर वो जुलूस निकाले तो मैं समझता हूँ कि ये इश्यूज जो आंदोलन हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं विरोधी दलों से, आस्ते आस्ते वो भी मेरे ख्याल से उसमें सहयोगी हो जाएंगे। सर बीजेपी के अलावा, लेकिन वो मामला भी ज़्यादा मतलब मीडिया में और ना बैलेट पेपर की मतलब बैलेट पेपर से चुनाव कराया गया, तो क्या लगता है आपको कि ये चीज़ जो है वो उससे किनारा करने की कोशिश की है? देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कई चीज़ों को किनारे कर रहा है, नॉन इश्यूज़ को इशू बना रहा है, जो इशू है उसको साइड ट्रैक कर रहा है, उसका अपना एक एजेंडा है, और मैंने जैसे कहा कि उसका एक एजेंडा जो है वो रिलीजियस एजेंडा है, और वो रिलीजियस एजेंडे के मुताबिक वो चल रहा है और उसी पर वो फोकस कर रहा है। सब सभी दलित नेता जो है या बहुजन के नेता है वो कह रहे हैं आम जनता को रोड पे आने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो नेता है वो रोड पे क्यों नहीं आ रहे हैं? कौन नेता बचा है मुझे बता दो, हमारे सिवा कौन बचा है कि जो बीजेपी के साथ में नहीं गया है? 40 साल तो हम राजनीति में रहे, 20 साल तो पार्लियामेंट में रहे, अकेला हूँ कि जो बीजेपी के साथ में कभी आरएसएस बीजेपी के साथ में कभी समझौता नहीं, बाकी सभी जो है वो आगे पीछे बीजेपी के साथ गए, आरएसएस के साथ गए, उन्होंने ऐसे कदम निशाने छोड़ दिए हैं कि जिस पर उनका ब्लैकमेल हो रहा है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी सीधे सीधे लोगों को आगाह करना ज़रूरी है। उम्मीद आप लोगों ने कुछ जताई, लेकिन जहाँ हकीकत मैं जानता हूँ और जो होगा वो भी जानता हूँ, मैं अम्बेडकरवादी और संविधानवादियों को इतना ही कहूँगा कि एक मन बना लीजिए कि बीजेपी को और आरएसएस को किसी प्रकार का वोट देना नहीं, अगर ये उन्होंने तय कर लिया तो शायद मैं मानूंगा कि हम लोग इसको रोक पाएंगे।